हिमाचल और पंजाब के बीच पहले पर्यटकों को लेकर वाद विवाद हुआ, कई इश्यूज आए और अब जो मुद्दा है वो टैक्सी यूनियन के बीच में आ गया है। पिछले कल पंजाब टैक्सी यूनियन की बैठक हुई और धरना प्रदर्शन वहां पर जारी है, वहां की सरकार के साथ बातचीत है और कहा जा रहा है कि हिमाचल के टैक्सी यूनियन और हिमाचल की सरकार उनके साथ धक्का कर रही है। ये आरोप पंजाब टैक्सी यूनियन की तरफ से लगाया जा रहा है और कई तरह की बातें वहां से निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि हिमाचल की जो टैक्सीज यहां पर आती हैं उनको भी सवारियां नहीं उठाने दी जा रही है, दी जाएगी। जिस प्रकार के प्रतिबंध हिमाचल सरकार की तरफ से टैक्सीज को लेकर लगाए जा रहे हैं, या फिर कहा जा रहा है कि व्यवहार हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटर्स के साथ जो बाहर के टैक्सी ड्राइवर्स हैं पंजाब के हैं उनके साथ किया जा रहा है, तो फिर उसी प्रकार का व्यवहार यहाँ पर भी करेंगे, सवारियाँ नहीं उठाने दी जाएंगे। कई इश्यूज हैं जो अब खुलकर सामने आ रहे हैं, खासकर कल जो पंजाब टैक्सी यूनियन की तरफ से एसएसपी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और प्रदर्शन किया गया है, हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स का क्या कहना है ये हम यहाँ पर पूछेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र ठाकुर नाम है सर। कैसे देखते हैं जो पंजाब की टैक्सी यूनियन की तरफ से बातें कही जा रही है कि यहाँ पर सवारियाँ वापस नहीं ले जाने दी जाएगी और जो कई विवाद वहाँ पर चले हुए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी बोल रहे हो सारा गलत है। हमारी गाड़ी अभी चंडीगढ़ जा रही पिक कर रही है और यहाँ उनकी गाड़ी जा रही है वो भी पिक कर रही है। अभी आप देखिए पंजाब के लोग काफ़ी घूम रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत लेवा नहीं है। और रही बात की जैसे जो लोग बोल रहे हैं कि हिमाचल में टैक्सी ले जा रहा हो, टैक्स अब टैक्सी और थोड़े ले रहे हो तो गवर्नमेंट ले रही है। अब हमारी गाड़ी अगर चंडीगढ़ जा रही है तो हम लोग भी टैक्स दे रहे हैं, 470 रुपये हम पंजाब का टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है जबकि हमने भी ऑल इंडिया टैक्स बढ़ाया हुआ, तो जब उसके बावजूद भी और को चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा में टैक्स देना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट बात करें तो हमारा तो मैटर कोई नहीं है, कोई नहीं उसमें। और हमारा हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब से हमारा भाईचारा वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो आज तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, हमने कभी मन मुटाव से किया कभी, अब हमारे तो ना कोई दिक्कत अभी भी है ना कभी आगे होगी। विवाद क्या है, पूरा विवाद क्या है? विवाद कुछ नहीं सर, विवाद ऐसा है अगर कोई लड़ाई करता है झगड़ा करता है, या मैं चंडीगढ़ चल जाऊँ मैं झगड़ा करना शुरू कर दूँ तो लोग मारेंगे वहाँ, थोड़ा जुड़ेंगे नहीं। अब जो झगड़े वो सब झगड़ा करेंगे, अब जो कोई पंजाब का कोई टूरिस्ट आता है घूमने शराब पी के अगर हुड़दंग करेगा तो उसको मार तो पड़ेगी चाहे पुलिस प्रशासन उसके लिए, ठीक है ना जी। और अभी 25 तारीख को हमारी गाड़ी यहाँ से लोग बुक करके लेके मनाली घूमे, उसके बाद उसको ड्राइवर को घागस और भराड़ी के बीच में मार दिया उसको, उसके बाद उसकी बॉडी पंजाब ले गए और नहर में फेंक दी हो, तो हम क्या बोले कि पूरे पंजाब वाले ये मर्डरिस्ट है? ऐसा नहीं है, जो गलत करता है उसके लिए कानून है। अब 2008 में मेरी इनोवा अपलाइड फॉर गाड़ी यहाँ से बुक करके ले गए और करौली में ड्राइवर को मार दिया और कोटकपुरा में गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया, अभी भी गाड़ी वहीं खड़ी हुई हो, तो कानून अपना काम करेगा, तो उनको जो प्रशासन है और कोर्ट की ओर से उनको सजा जीवन कारावास हुआ। अब जो हिमाचल का हम बोलते हैं हमारा ड्राइवर कोई या कोई भी आदमी गलत करता है उसके लिए कानून बैठा, पुलिस है, आर्मी है, हम लोग कौन होते हैं तय करने वाले कि वो चंडीगढ़ वाले नहीं आने देंगे नहीं या हम नहीं आने देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए पुलिस प्रशासन है, हम लोग भाईचारा चाहते हैं, हमारे लोग भी चंडीगढ़ जा रहे हैं और लोग भी आ रहे घूम रहे आराम से, गाड़ियाँ चला रही हैं, कोई दिक्कत लेवा नहीं किसी को नहीं। टैक्स वाला इशू क्या है जो पंजाब के टैक्सी जो टैक्स वाले बोल रहे हो, कल भी उन्होंने मीटिंग में बोला कि टैक्स लिया जा रहा है तो गवर्नमेंट से बात करें, हमारा तो कोई मैटर नहीं, हम टैक्सी का थोड़ा ले टैक्स उधर। अब हमारी गाड़ी जा रही है, हम भी पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, जब टैक्सी का काम करना है तो उसमें जो टैक्स गवर्नमेंट लेगी वो तो देना पड़ेगा, बाकी अगर सरकार चाहे उसको कम भी कर सकती है उसको बढ़ा सकती है, वो तो सरकार के हाथ में, हमारा तो कुछ नहीं सर। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर हमने देखे कि हिमाचल के कुछ ड्राइवर्स थे उनकी वीडियो भी वायरल हुई है, उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि किसी को नजायज तंग ना किया जाए, ना किसी की वीडियो बनाई जाए, जो गलत करता है चाहे हमारा ड्राइवर है अगर चंडीगढ़ में गलत करता तो उसके लिए पुलिस प्रशासन है, अगर वहाँ का कोई गलत करता है उसके लिए पुलिस प्रशासन हिमाचल में चाहे कोई भी जो गलत करे उसके लिए कानून कार्रवाई करेगा, हम लोग कौन होते हैं या वो लोग कौन होते हैं इसमें करने के लिए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक कोई रोकने की बात सामने आई नहीं? नहीं सर, नहीं 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 सर, सब आप क्या कहेंगे इस प्रकार के विवाद के ऊपर और अभी तक की क्या स्थिति है? सर देखो, अभी तक जो बात पैदा हुआ है लड़ाई झगड़े का, हम भी देखो अदर स्टेट जाते हैं वो भी इधर आते हैं, इसमें ये तो नहीं होगा कि हरियाणा वाले पंजाब वाले इधर आए हम उनको रोके या वो हमें वहाँ रोके, तो हम यही चाहते हैं कि आपसी भाईचारा चला रहे और काम भी दोनों का निकलेगा, हरियाणा पंजाब है चाहे हिमाचल का अदर स्टेट का कोई भी है, ऐसी मुश्किल तो नहीं आनी चाहिए। जो इसमें बीच में शरारती तत्व है जिनकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ है, तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से भी कि जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
जी बिल्कुल, तो हिमाचल के जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, इनका बड़ा साफ कहना है कि जो भी विवाद है वो कानूनी रूप से सुलझना चाहिए। जहाँ तक टैक्स का मामला है वो हिमाचल सरकार देखेगी, लेकिन जो सामाजिक चीज़ें आ रही हैं, वीडियो सामने आ रहे हैं, उन पर संयमता दोनों तरफ से बरती जानी चाहिए। और फिलहाल अभी तक कोई ऐसा बड़ा मामला सामने नहीं आया है जहाँ हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स को रोका गया हो या इस प्रकार का कोई व्यवहार किया गया हो। तो ज़रूर अपील हिमाचल के टैक्सी ड्राइवर्स की तरफ से यही है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, ताकि दोनों राज्यों के ड्राइवर्स या वाहन अब एक दूसरे के राज्य में प्रवेश कर सकें और अपना रोजी रोटी चला सकें। वीडियो जर्नलिस्ट दीपा के साथ राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।